अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिसल पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाव भी मैंने घर में बनाया है और मिसल में अभी आपके साथ मिसल की रेसिपी शेयर करूँगी। पाव की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं बता चलिए बनाते हैं। मिसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में जो तेल है वो थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, ठीक है। मेरे कढ़ाई में रखा हुआ था कल फ्राई किया हुआ तेल, तो वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे तेल गर्म होगा मैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा जो है जीरा डाल दूंगी। तेल गर्म हो गया, फटाक से प्याज, ये मैंने एक प्याज जो स्लाइस करके रखी थी डाल दूंगी। प्याज जब तक हमारा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको हमको पकाना है। और यहाँ पे मैंने मिक्सर में खोपरा और मिर्ची कोथमीर पीस ली हूँ इस तरीके से। और ये दाल जो है आधा कप मैंने भिगा के रख दी थी पहले की, दाल जो मेरी बची हुई थी वही है ये, तो मैंने उसका मिक्सर बना रही हूँ। ये झटपट वाला मिक्सर है। तो यहाँ देखिए प्याज जो है मेरी नरम हो चुकी है, बिल्कुल हल्की से और नरम ब्राउन कर दूंगी मैं। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी और हल्की, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो सारे मसाले हैं, टमाटर मैंने आधा छोटा सा एक टमाटर लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है और टेस्ट के हिसाब से नमक भी है। तो जैसे ही थोड़ा प्याज मेरा नरम हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे प्याज जो है नरम हो चुका है, ये देखिए अच्छे से। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन की स्मेल खत्म होने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अच्छे से भूनना है। अगर आपके पास घाटी मसाला घर में है तो वो भी आप डाल सकते हो, नहीं है तो एकदम सिंपल तरीके का मिसल है जो हम झटपट घर में बना सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छा खाना बन जाता है। अब जो है टमाटर और अदरक लहसुन का जो है स्मेल चली गई है, अब हम इसमें सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं और टमाटर, पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, नमक, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो पहले हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे लास्ट में। नमक डालेंगे और टमाटर डालेंगे, गरम मसाला बचा कर रखेंगे लास्ट में डालने के लिए। इसको अच्छे से भून लेंगे। तरीके से अच्छे से इसको भून लेना है और ये ध्यान रखिए कुकर में ही बनाना है। इसको अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा तेल जो है, देखो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा पीसा हुआ खोपरा है, मिर्ची कोथमीर वाला मसाला जो है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तेल छूटने तक भून लेंगे, सेपरेट होएगा जैसे सरफेस पे तेल आएगा। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी
आधा चम्मच हल्दी, आप इधर देख सकते हो तेल जो है ऊपर आ गया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसमें जो दाल हमारी भीगी हुई है आधी कप वो डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। और इसको दो सीटी ले लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के दो सीटी आने तक इसको पकाएंगे। स्लो पे दो सीटी होएगी तो ये हो जाएगा हमारा मिक्सर तैयार। थोड़ा सा ही पानी डालू मैंने इसमें। तो ये देखिए मिसल बनके रेडी हो गया है। इसमें ने थोड़ा पानी डाल दिया था ताकि थोड़ा सा और पतला हो जाए मिसल, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पतला चाहिए तो आप ऐसे रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।